ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शिव पूजन में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव ही आदि और अंत हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान शिव एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का उल्लेख है जिनके प्रयोग से भोलेनाथ शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। इन चीज़ों को अन्य देवी देवताओं की पूजा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में इनका प्रयोग निषेध है। शिव पूजा में इन चीज़ों के इस्तेमाल से व्यक्ति पुण्य की जगह पाप का भागी बन जाता है और भगवान शंकर के प्रकोप को झेलता है। घर में दो शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास होता है, जिससे घर के सभी सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भोलेनाथ पर हमेशा पीतल, कांसे या अष्ट धातु के बर्तन या लोटे से ही जल अर्पित करना चाहिए, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। सभी देव कार्यों में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भोलेनाथ पर तुलसी अर्पित करना वर्जित है। कुछ लोगों को इसके बारे में ज्ञान ना होने के कारण वे शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित ना करें। ऐसा करने से पूजा का उल्टा फल मिलता है। जब भी भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें तो धोकर प्रयोग करें, जिससे भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। कभी भी शंख में जल भरकर शिवजी का अभिषेक नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड नामक असुर का वध किया था। उसी की हड्डियों से शंख का निर्माण हुआ था, इसलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव बैरागी हैं, इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ता। भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती, क्योंकि हल्दी स्त्री सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग की जाती है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषोत्तम का प्रतीक है, ना चढ़ाएं। अतिरिक्त केतकी और केवड़े के फूल अर्पित करना भी वर्जित है। भगवान शिव को खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। खंडित चावल अपूर्ण और अशुद्ध होते हैं, इसलिए ये भोलेनाथ को अर्पित नहीं किए जाते। भगवान शिव की पूजा में आप नारियल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव पर कभी भी नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही यह बात का ख्याल रखें कि भगवान शिव को चढ़ाया गया नारियल कभी भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव को कभी श्रृंगार की वस्तु में नहीं चढ़ाना चाहिए, मेहंदी, सिंदूर, रोली, कुमकुम आदि। भगवान शिव को कभी भी कोई खंडित व तोड़कर प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, वे फल हो, मेवा हो या मिष्ठान हो। मंदिर का जल व लोटा लेकर कभी भी शिवजी पर जल ना चढ़ाएं। ऐसा करने से शिवजी कभी प्रसन्न नहीं होंगे, चाहे आप सारा जीवन जल चढ़ाते रहें। मान्यता है कि जो भी चीज़ आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसे शिवलिंग से वापस उठाकर उसे खुद कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भी आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसे दूसरों को बांट देना चाहिए। शिवलिंग पर जो भी चढ़ाते हैं, अगर आप उसे खुद ही ग्रहण कर लेते हैं तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। कई लोग घर पर ही तुलसी के पौधे के नीचे शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शिवालय में घंटा जरूर बजाना चाहिए, नहीं तो पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। शिव आदि और अनंत हैं, इसलिए शिवलिंग की परिक्रमा आदि ही करनी चाहिए। जिस स्थान से आप परिक्रमा शुरू करें, वापस उसी स्थान पर लौट कर आना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं पर कभी पैर ना रखें। शिवलिंग के नीचे बहते हुए जल को कभी भी ना नांगें। शिवलिंग पर कभी तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को चन्नामृत से स्नान कराने के बाद जल से अवश्य स्नान कराना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग जितना ठंडा रहे उतना ही उत्तम है।
शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में कभी दूध नहीं डालना चाहिए। शिव मंदिर की सामग्री खुद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जैसे लोटा, जल, धूप बत्ती या मिश्री रोली आदि। शास्त्र कहता है कि किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना दें, चाहे वह मानव हो, पशु, पंछी, जीव जंतु ही क्यों ना हो। अगर आप किसी के 10 रुपये की बेईमानी करते हो तो उसका 100 गुना या 1000 गुना तक होकर कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अगर आप भी इनमें से कोई भी गलती करते हो तो आप पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती और भगवान शिव आपसे रुष्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और नारायण भी रुष्ट हो जाते हैं और आप पुण्य की जगह पाप के भागी बन जाते हो। सभी शिव भक्त श्रद्धा भाव से, सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना करें। भक्तों की सभी मनोकामना शिव भोलेनाथ पूरी करेंगे। ऐसे वीडियोज बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।